प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड मीटिंग में क्या कहा ये आपने सुना, और क्वाड के मंच पर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक साथ नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं क्वाड की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा, जो बाइडेन का क्या वक्तव्य रहा क्वाड की मीटिंग के बाद। पहली बात तो यह है कि क्वाड के मंच से चीन को सीधी चेतावनी दे दी गई है। ड्रैगन के लिए संदेश जो है वो बिल्कुल साफ है, चार बड़े लोकतांत्रिक देश एक साथ एक मंच पर आ गए हैं, ये समझ ले चीन, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को अच्छी तरह समझते हैं, ये कहा गया। इंडो पैसिफिक रीजन को स्वतंत्र रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये मैसेज चीन के लिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी अब नहीं चलेगी, ये सीधा संदेश दे दिया गया है, चीन का नाम लेके कह दिया गया है। डिफेंस डील और पॉलिसी बनाने पर सहमति बन गई है, यानी ये चारों लोकतांत्रिक देश अब और ज्यादा करीब आएंगे। काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, जो कि एक बड़ा मकसद रहा है क्वाड संगठन का। क्वाड देशों की मीटिंग से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है अब चीन। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आ गया है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को वक्त के हिसाब से चलना चाहिए, यह कहा गया है चीन की तरफ से। तो क्वाड मीटिंग का क्या आउटकम रहा यह हमने आपको बताया, और यह देखिए अब चीन की चिंता भी साफ जाहिर हो गई है उसके इस ताजा बयान के जरिए। अमेरिका दूसरे देशों की इच्छाओं का सम्मान करे, ये कह रहा है चीन। कोल्ड वॉर के दौर में जी रहा है अमेरिका, ये चीन की तरफ से पहला बयान, पहला आधिकारिक बयान सामने आया है क्वाड मीटिंग के बाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।